رضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. آج هم كهين گے يا رب الحسن، حضرت شہزادہ قاسم کو یاد کرنا ہے یا رب الحسن، اے امام حسن کے رب، بحق الحسن المجتبى اشفي صدر الحسن بظهور الحجة. يا رب الشهداء اشفي صدور الشهداء بظهور الحجة. يا رب المؤمنين والمؤمنات اشفي صدور المؤمنات بظهور الحجة. صلوات أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات سات محرم الحرام، اور ہماری ساتویں کوشش، ساتواں قدم، امید اس نظر کے لیے کہ ہمارا نام، ہمارا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیمہ حسینی، خیمہ زینبی میں ہو، اور اس قرب زینبی کے لیے آج ہم نے شہزادہ قاسم کو یاد کرتے ہوئے اپنا ساتواں قدم، ساتویں اس صفت کو اپنے اندر لے کر آنا ہے جس صفت پر نہج البلاغہ میں اتنی تاکید، اس ذکر کو اتنا ذکر کیا گیا ہے. میرے مولا کا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، محبوب ترین ذکر ہے. اور اگر آپ اس ذکر کی کثرت کو دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ یہ ذکر نہج البلاغہ میں اتنا کثیر، دعائے عرفہ میں کثیر، صحیفہ میں کثیر، لیکن میری زندگی میں قلیل. تو میں کیسے زینبی بنوں؟ وہ ذکر جو بڑا میٹھا اور پیارا ہے، شیرین ہے، وہ ذکر ذکر موت ہے. اتنا خوبصورت یہ ذکر ہے، یہ ذکر لقاء الہی ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو محبوب گردانتا ہو، پسند کرتا ہو، تو اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب گردانے گا. اگر ہمیں لقاء اللہ کی قربت اور محضر الہی میں روبرو ہونا، یہ اگر پسند ہے ہمیں، تو ہم یقیناً اس کا ذکر سب سے زیادہ کریں گے. ذکر سے مراد آپ کو بتایا ہے اصل، اصل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ادھر دل و دماغ سے، وہ اچھا اور حقیقی ذکر ہے. یہ ذکر جتنا
ज़्यादा होगा ज़िंदगी उतनी हसीन बनेगी, और जोश व जज्बा और अखलाक और हुस्न बढ़ता चला जाएगा। ये ज़िंदगी में एक अजीब सी उम्मीद और ख़ुशी लाता है। लोग समझते हैं ये गमगीन कर देता है, नहीं, ये एक्चुअल ख़ुशी को लेकर आता है। ये ज़िक्र, ज़िक्र लिक़ा इलाही, हम किसी को चाहते हो, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, किसी से मोहब्बत करते हो, कहें मैं आपको बहुत चाहती हूँ, और दिली दिल में कहे आप मेरे कभी करीब ना आना, आना नहीं मेरे पास, मुझसे दूर रहना, जैसे मौत क्या है, लिक़ा इलाही है ना, तो हम कहे मुझे अल्लाह बहुत पसंद है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो लाखों क्या माँ की मोहब्बत तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, लेकिन माँ के लिए बच्चा कैसे तड़प रहा होता है, जब छोटा हो तो सच्ची प्यार मोहब्बत होती है, माँ मिंबर पर भी हो तो बच्चा आ जाता है ना, रोता हुआ आता है कि कहाँ है, नमाज पढ़ रही है, तो फिर भी आ जाता है, और इतनी कुर्बत चाहता है, लेकिन हम रब की कुर्बत लिका नहीं चाहते। मैं आपसे कहूँ मुझे आप बहुत पसंद है, लेकिन आप कभी मेरे करीब से भी ना गुजरिएगा, तो आप कहेंगे ये कैसी मोहब्बत हुई, हम कहे हमें लिका इलाही पसंद है लेकिन हमें मौत नहीं पसंद, मौत हमारे पास ना आना, ना आना। इसका मतलब ये है, ठीक है हम अपने आमाल से डर रहे, लेकिन ये हल नहीं है ना, ये हल नहीं है। ये कहे कि नहीं नहीं मुझे बहुत डर लगता है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, तो इसका क्या मतलब है, कोई गारंटी है कि आप कोई तैयार होंगी, कुछ होगा, तो हम बड़े इसको मुकद्दस अंदाज से कहते, नहीं मुझे मौत से डर लगता है, इसका मतलब ये, उसका मतलब ये, इसका मतलब वो, इसका मतलब ये इधर उधर ना जाए, सही तरह बात करें, समझे कि ये क्या है। खौफ तो खुद, जिसे हम खशियत कहते हैं, वो तो खुद एक और सिफत है, वो तो एहतराम है, वो तो इज्जत है, वो तो अपनी जगह होना चाहिए, हुजूर इलाही का एहतराम, हया, खौफ, वो अलग चैप्टर है, लेकिन हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं उस लिका को, उस मुलाकात को, कि उस मुलाकात से हम क्यों दूर रहें, क्यों ज़िक्र ना करें, या ज़िक्र करें तो कितना करें, कैसे करें, ये ज़िक्र हमें क्या फ़ायदा देगा प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में, हमारी जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं ज़िक्र के ज़रिए। इस ज़िक्र के मैं आपको सिर्फ दो तीन फ़ायदे बताती चली जाऊँ, जिस ज़िक्र को मौला ने इस हद तक नहजुल बलागा में, और एक और बात बड़ी मज़े की वो ये है कि हर नमाज आयशा के बाद, एवरी सिंगल या एवरी नाइट, कोई दिन नहीं छोड़ा मेरे आका ने, मेरे मौला ने, हर नमाज के बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब, हर नमाज के बाद, आप ज़रा तसव्वुर करें ना, हर नमाज के बाद सब मिलकर कहें, हर नमाज के बाद, ताकि याद रहे कि ये जिक्र कितना प्यारा याद है, हर नमाज के बाद, क्यों, इतनी अहमियत क्या है आखिर इसमें, क्या क्या बात है, ये कैसे हल्लाल मुश्किलात ने एक डोज, एक दवा, एक प्यारा मीठा जिक्र हमें सिखाया हर नमाज के बाद। आप जैसे ही नमाज ख़त्म होती मजमे की जानिब रुख फरमाते और फरमाते कद नाजी कुमुल मुनकर, आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दे दी है, तज़व्वदू, आवाज़ आ गई, तुम्हारी बारी आ गई, सामान जल्दी से पैक कर लो, चलो आमादा रहो, तैयार रहो। ये कैसी तैयारी है, ये कैसे आका है हमारे, किस तरह हमें इतना याद दिला रहे हैं। हम ये जानते कि मेरे आका, मेरे मौला ने एक जहाद किया, ठीक है, बड़े ज़बरदस्त शुजा मुजाहिद थे हमारे आका, हमारे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वो मैदान जिसकी, मैदान की फतह की दास्तानें हम अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं, सुनते रहेंगे, लेकिन एक और मैदान भी है, दो तरह की तलवारें मौलाए कायनात के पास मौजूद है,
उस तलवार ज़ुल्फ़क़ार का हम जिक्र सुनते हैं, नो डाउट ला फता, कोई फता है ही नहीं, कोई जवान फता यानी जवान, ला फता जवानी हो तो तहारत और लिबास तक्वा और अमीरुल मोमिनीन के ज़ेर साया, ला फता इल्ला अली दर जवानी फौक बुदन शिवाय पैगंबरीस, वरना हर गिबरी बेफीरी मी शवत परहेजगार, हर हर शख्स या अली या अली। शबाब जवानी, नो नो जवानी, शहजादे कासिम इब्न अल हसन हमारी जाने आप पर कुर्बान, क्या जवानी है, क्या इश्क़ लिकाए इलाही है, क्या हसीन ये जिक्र मौत एन जवानी में, दर जवानी पाक बुदन पाक होना, लिका का इश्क रखना, गफलत से दूर होना, पैगंबरों का करबलाइयों का शेवा है, वरना हर गिबरी में फिरी मी शवत परहेजगार, बुढ़ापे में परहेजगार बनना कोई बड़ा काम नहीं है। ला फता जवान, वो जवान ही नहीं जिसने अपनी जवानी इमामुल मुत्तकीन की जवानी के साथ मुत्तसिल लगी हो, जिसने अपनी नौजवानी शहजादा कासिम के इस हसीन पैगाम को हजम करके न गुजारी हो। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़क़ार, जब भी मेरे नबी को या अली اللهم صل على محمد मेरे नबी जब भी मुसलमानों के दरमियान रहते हुए भी एहसास तन्हाई फरमाते थे ना, जिस तरह मौला खुद रहलत नबी के बाद जाकर कुएं से गुफ्तगू करते थे कि कोई नहीं है, यही एहसास तन्हाई मेरे नबी को होती थी, और फिर कहते थे ऐना मुफर्रिजो हम्मी लवजही ऐना सैफी ऐना रोमही, कहाँ है मेरा सैफुल्लाह, कहाँ है मेरा अली जो मेरी तन्हाई को मुझसे दूर करे, कहाँ है वो नेज़ा जो इलाही नेज़ा है रोमही, बाकायदा ये लकब मेरे नबी देते थे ऐना सैफी, कहाँ है वो सैफ, ठीक है हम उस सैफे ज़ुल्फ़क़ार आलवी को जानते हैं और जानना भी चाहिए, लेकिन मेरे आका मेरे मौला अशजाउन्नास फ़ातेह खैबरो खंदको बदरो हुनैन, एक और मैदान के भी फ़ातेह हैं, एक और तलवार भी मेरे आका के पास है, जिस तलवार के ज़रिए आपने जहाद अकबर उस नफ्स के बुतों को इस तरह से चकना चूर कर दिया, और उस जिहाद के लिए मौला हमें बुला रहे हैं कि वहां आकर हम सब बारगाह अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब में, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जंगे हुनैन का जिक्र आपने कुरान मजीद में पढ़ा होगा, फतह खैबर फतह मक्का के बाद, फतह मक्का के बाद जो जंग हुई है, पहली बार मुसलमान 12,000 बहुत ज़्यादा, यूजली शुरू कैसे हुआ था 330 600 1,000 आखिरी जंगों में 2,000 3,000 इससे ज़्यादा मुसलमानों का लश्कर नहीं होता था, और दुश्मन का 10,000 12,000 होता था, पहली बार मुसलमान 12,000, कितने 12,000
बहुत बड़ा नंबर है। अब मुसलमान हो गए खुश, कुरान ने लिखा है, सूरह तौबा में मौजूद है, क्या कहा, इज अजबतकुम कसरतकुम, तुम अपनी कसरत पर बड़े उजब कर रहे हो, खुशी मना रहे हो कि हम इतने ज़्यादा हैं नंबर को देखने वाले। ये हमारी जहालत है कि हम कमियत को, क्वांटिटी को बहुत अहमियत देते हैं, हत्ता मजलिस में भी। ठीक है, बानियान मजलिस बुलाएं, सबको बुलाएं, लेकिन नंबर, लोगों का ज़्यादा होना माना नहीं रखता, बिल्कुल माना नहीं रखता। एक बड़े असीम बा अमल मुश्तहिद गुज़श्ता ज़मानों में, आज से तकरीबन 80 साल पहले, उन्होंने तवस्सुल किया और कहा, बीबी मैं इस दफ़ा वहाँ जाऊँगा जहाँ आप कहेंगे, बस मैं नहीं जा रहा कहीं मजलिस पढ़ने। पहली मुहर्रम आ गई, कोई ख़बर नहीं, तवस्सुल कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, इतने में सईदा तशरीफ लाई और कहा उस इलाके में, उस कूचे में, यानी उस स्ट्रीट में जाओ। वो गए तो देखा एक बहुत छोटा सा एक खातून है, अक्सर ख़वातीन पर बड़ी नज़र होती है अहले बैत की, बहुत ये शतीता जैसी ख़वातीन। वो आयतुल्लाह सिस्तानी ने जो एक खातून को देखा कि जो हया और इफ़्फ़त की वजह से 7 ईयर्स तक अपने घर में थी, आयतुल्लाह सिस्तानी के फादर बहुत आमाल करते रहे हैं ज़माने के नूर को देखने के लिए, तो इमाम ने कहा उस खातून के घर जाओ, इस खातून के घर जाओ। मैं अक्सर ऐसी चीज़ें जमा करती हूँ ताकि हमारा ईमान और ज़्यादा बढ़े। कितनी प्यारी प्यारी ख़वातीन आइम्मा की नज़र में होती थी, कहा उस घर में जाओ। या तो देखा एक खातून जो है वो नहर का पानी है और कुछ कप्स धो रही हैं, पहली मुहर्रम हो चुकी थी ना, कहा क्या कर रही हो ये फ़लानी, नाम भी बताया था, कहा वो कहाँ है खातून, कहा मैं खुद हूँ, कहा अच्छा आप मजलिस रखती है, मैं आपके घर मजलिस पढ़ सकता हूँ, तो कहा हाँ पढ़ें। आज जो आया था उसने कहा सिर्फ 2-3 बूढ़ी ख़वातीन हैं, मैं कल से नहीं आऊँगा, जो आज का जाकिर था वो नाउमीद होकर चला गया, तो आ जाओ कल, तुम कल से तुम आ जाओ। तो वो खुशी खुशी आए और पढ़ते गए मजलिस, पढ़ते गए 3-4 ख़वातीन, 5-6, ज़्यादा से ज़्यादा 7 ख़वातीन थी, एक ही कमरा था और साथ एक छोटा सा किचन जिसमें वो बैठ के चाय बनाती थी। और उस खातून की आवाज़ रोने की मुझे आती थी मसाइब में, और उसके साथ एक और आवाज़ भी आती थी, मैंने कहा उसकी बेटी होगी, कोई होगा। आखिरी दिन मैं फ़ौरन अशरा ख़त्म करके तेज़ी से निकला कि इस खातून से कुछ ना लूँ, ये मुझे शुक्रिया भी ना कहे, क्योंकि मैंने सैयदा के हुक्म से आया हूँ। मैं दौड़ते हुए चला गया तो वो पीछे से आई, आवाज़ दी और आकर कहा कि कितनी मेहनत से मैंने कुछ रकम मजलिस के लिए लोगों के घर में काम करके तैयार किया है, मेरी इस मेहनत को ज़ाया ना करो, ये सिला लेकर तुम जाओगे, ये सिला देना आइम्मा का काम था, ये तुम सिला लिए बग़ैर नहीं जाओगे। तो वो रो पड़ा और उसको अपना वो ख्वाब याद आया, उसने ले लिया और फिर कहा मुझे बताओ, वो एक रोने की आवाज़ आती थी, तुम्हारी बेटी तो होती थी किचन में तुम्हारे साथ, तो कहा ख़ुद तुम्हें सैयदा ने यहाँ बुलाया है, और वो सैयदा जो बुला रही है उन्हीं की आवाज़ तुम मसाइब में सुना करते थे। कसरत को ना देखो, इज अजबतकुम कसरतकुम, कमियत हम जैसे जाहिलों का काम है कि जो चीज़ें आँखों से नज़र आती हम उससे खुश हो जाते हैं कि अच्छा इतने लोग आए थे, कभी ये बातें हमारे अंदर ना हो तो बहुत बेहतरी की तरफ हम चले जाएंगे। यहाँ बताया जाता है बारे इलाह परवरदिगारा, वो तमाम मादी चीज़ें जो हमें हकीकी नियत खालिसा से दूर करती है, हमें ज़ैनब कुबरा से बाईद करती है, बारे इलाह हमारे दिलों को हुब्बुद दुनिया लोगों की आँखों से दूर फरमा, लोगों की बातें, लोगों की राय, लोगों की जो भी कमेंट्स है वो हम पर असर अंदाज ना हो। इज अजबतकुम कसरतकुम, जंग हुनैन का ज़माना है, मुसलमान मगरूर हो गए कि हम बहुत कसीर हो गए, और इसी गुरूर के साथ जंग में दाखिल हुए, लेकिन
दुश्मन ने क्या किया, वो दर्रे के पीछे छुपे हुए थे, अचानक हमला किया। मुसलमान सोच भी नहीं सकते थे, वहाँ से दुश्मन आया और सब डर के भाग गए। 12,000 थे ना, कितने रह गए? सिर्फ और सिर्फ 12, जिनमें दो ख्वातीन हैं, उम्मे सुलेम, उम्मे अम्मारा। 4 बताया गया है, मैं 2 का बता रही हूँ। उम्मे सुलेम हामिला है, प्रेग्नेंट है, लेकिन खंजर हाथ में लिए नबी का दिफा कर रही है। नबी इन ख्वातीन को हमेशा माल गनीमत में बहुत अच्छा हिस्सा देते थे। ये भी मेरे पास लिस्ट मौजूद है कि कैसे नबी उनका नाम लेते थे, तकदीर करते थे, आकर मदीना में मस्जिद में उनके बारे में बताते थे कि इस खातून ने जहाँ जहाँ 11,000 ये 90 लोग भाग गए, उसमें ये कुछ चुने हुए लोग बाकी रह गए। और उम्मे सुलेम भी है, उम्मे अम्मारा भी है। और अब जो है वो कैसे क्यों भागे थे, कहते हम तो जानते जंगे खंदक में उमर बिन अब्दवद दुश्मनों का हीरो था, जंगे खैबर में मरहब था, जंगे हुनैन में कौन था, अबू जरवल। कहते अबू जरवल आया था काला परचम हाथ में लिए हुए, सब मुसलमानों को ललकार रहा था, कोई है आए, अचानक हमला किया। और वो बड़ा कवी हैकल शख्स जो ये नारा बुलंद कर रहा था कि आज हर मुसलमान कसर ज़मीन पे गिरेगा, आज इस्लाम की शिकस्त का दिन है। इतने में मौलाए कायनात की एक चाल, एक ज़रबत, परचमदारे रसूलल्लाह है, आलमदार है, उसी आलम के साए हमने इंशाअल्लाह जन्नत में बाबुल इल्म बाबुल जन्नत के साथ जन्नत में कदम रखना है। वो आलम जिस आलम को थाम कर मौला अली ने ऐसी ज़रबत उस ऊंट पर लगाई जिस ऊंट पर अबू जरवल सवार था, ज़मीन पर गिरा। अब उस ज़ुल्फ़िकार ने क्या किया, ये वाहिद मकाम है जहां अमीरुल मोमिनीन ने, शाह विलायत ने बिल्कुल निस्फ उस तन को कर दिया, निस्फ निस्फ आधा। अब वो तमाम दुश्मन जो मुसलमानों को भगा रहे थे खुद भागना शुरू हो गए। नबी ने जनाबे इब्ने अब्बास को, अमू चचा अब्बास को बुलाया, कहते उनकी आवाज माइक की तरह थी, जहरीयुस सौत, कहा जाओ बुलाओ उन मुसलमानों को। और किस अंदाज से बुलाया, जनाबे अब्बास ने कहा ऐना تذهبون يا أيها البيعة الشجرة يا أيها سورة البقرة سورة البقرة میں بیعت کا ذکر جو آیا ہے اس سورے پر عمل ظاہراً کرنے والوں ادھر آ واپس اور اس انداز سے مولا کائنات نے اسلام کا وہ پرچم جس پرچم کو فرزند علی منتقم خون حسین इब्ने अली इमाम असर व ज़मान आकर फिर लहराएंगे, लहरा दिया। ज़बरदस्त, गुनाहों की बख्शिश के लिए सलावात, तहारत के लिए सलावात। मेरे 8वें इमाम ने कहा, जो गरीब है मुझ जैसे, जिनके पास हसनात की कमी है, खुलूस की कमी है, वो कसरत से खुशबूए सलावात के ज़रिए गुनाह की बदबुओं को दूर कर दे। ये मेरे मौला की अजीम फतह है, मैदान जिहाद असगर में। ये असगर है, ये असगर है। आए अब अकबर की तरफ। कल बताया ना अर्श अजीम, रब्बुल अर्श अजीम, वो अर्श है अल्लाह का
लेकिन अरशे आजम अरशे अकबर आपका सीना आपका दिल है। अल्लाहु अकबर, हमें समझ में नहीं आता यहाँ के निज़ाम की जो जंग है ना, इस जंग के लिए पूरा नहजुल बलागा लिसाने अली इब्ने अबी तालिब, हम कहते हैं ना लिसानुल्लाह, ने बार बार उसके लिए हरकत की ताकि हम इस जिहाद में उस जिहाद को याद करते हुए फातिहाना ज़िंदगी गुजारें। फुस्तो बिरब्बिल काबा की कसम, हम भी फौज यानी कामयाबी के साथ इस दुनिया में जाएं। अब करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मौला अली ने जिस जिक्र को हर रात हमें कहा ये जिक्र करो, प्यारा जिक्र है, हसीन जिक्र है, ये जिक्र आपको और हसीन और कवी और जो है वो जज्बात से भरा हुआ जिस्म और रूह को सही रखेगा, खुश अखलाक बनाएगा। वो जिक्र क्या है, मौत का जिक्र। क्यों करें, कहते हैं अगर आपको शहादत का अजर चाहिए। लोग पूछते थे नबी से, या रसूलल्लाह हम शहीद नहीं हो सके, हमें बिल्कुल शहीदों वाला दर्जा चाहिए, क्या करें। अब देखिए वो रहमतुलिल आलमीन कभी किसी को नाउमीद नहीं फरमाते थे, कहा एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है, दिन में 20 टाइम्स मौत को अल्लाह से उस अच्छी सी मुलाकात को याद करो। अच्छा, इससे कहाँ से मुझे शहीदों जैसा दर्जा नूर मिल जाएगा, हम तो तड़पते कासिम। तरह तू मेरे जिस्म से गलाजतों को निकालता है, मेरी बुरी आदत को भी मुझसे दूर कर दे, और जो खून बन जाता है ताकत बन जाता है उसको तू मेरे जिस्म में जरियान में ले आता है, गर्दिश में ले आता है। या रब परवरदिगारा तेरा शुक्र है, तेरा करम है, वहाँ भी आपने रब को याद किया, यही है ना अल्लाह को याद करना, लिकाए इलाही को याद करना। वजू के वक्त भी आप क्या करते हो, आप जैसे ही कहते हो अल्लाहुम्मा, जिस दिन मेरा चेहरा तेरे चेहरे के सामने होगा, वजहुल्लाह यानी कुल्लो या सब फानी है वो बाकी है, तो उस दिन इस चेहरे से नूर निकले। दुआए नुदबा में भी हम कहते हैं या अली, नबी के अकवाल में से है, या अली शियातुका अला मनाबिर नूर मुबियज़तन वुजूहुहुम, ए या अली तेरी मोहब्बत में वो जादू है, वो असर है, वो ताकत है, वो दुआ है, वो कुव्वत है कि तेरे शियों का चेहरा अखलाक हसना के साथ इतना मीठा इतना नूरानी हो जाता है, चेहरे दरख्शा होंगे और वो नूर के मिंबर पे होंगे। या अली जिस तरह मैं तुझे चाहता हूँ ना, तुझसे दूरी मेरे लिए बहुत गिरा है, इसी तरह तेरे शिया जन्नत में मेरे पास पास
वहुम जीरानी, वो मेरे जीरान होंगे, हमसाया होंगे, हमसाया नबवियो अलवियो ज़ैनबी उस जिक्र से है जिसे हम जिक्र लिकाए इलाही मौत कहते हैं। सलवात भी वो जो दो फरिश्ते हमारे कहते हैं वो रिटायर ही नहीं होते, अक्सर हम लोग काम से रिटायर हो जाते, ख़त्म हो जाती मुद्दत। अल्लाह ने ऐसा करम किया, ऐसी जॉब उन्हें दी, कहा तुम कभी भी फारिग नहीं होंगे, रिटायर नहीं होंगे इस काम से। जैसे हम मरते हैं वो दो फरिश्ते रब के पास जाते हैं, अब हम क्या करें, तो रब क्या कहता है कि अब क्या करें, ये क्या बात है, जाओ मेरे उसी बंदे के पास, जाओ उसकी कब्र पे बैठ जाओ, जाओ उसके लिए दुआ करो, जाओ उसकी अच्छाइयों को याद करो, क्या बात है। अभी अभी देखिए ये मौत को याद करना है ना, अब उसको हम याद करेंगे, इनका ख्याल रखेंगे, तो वो हमारी अच्छाइयों को ज़्यादा 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 याद रखेंगे और इंशाअल्लाह हमारे दरजात बुलंद होते चले जाएंगे। आपको पता है आलम बरज़ख़ में भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत सी, अगर आपको यहाँ सीखने का शौक़ है तो वहाँ भी सिखाया जाएगा। ये थोड़ा सा एक विंडो खुला हुआ है, प्रोग्रेस का खुला हुआ है, क्योंकि बरज़ख़ है ना, टोटल कट नहीं है, 100% कट नहीं है, आखिरत यानी आखिर यानी चला गया, ठीक है, दुनिया यानी दुनिया, बहुत नीची, बहुत बहुत लो लेवल, यहाँ की खुशी भी लो, दुनिया का मतलब होता है जैसे कहते फल दनी हो गया, अरबी जो जानते हैं वो समझते हैं, फौरन नज़दीक आ गया, लो करीब नीचे, यू नो हर चीज़ बहुत लो लेवल की है, यहाँ की गम, यहाँ की खुशियाँ, यहाँ हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, आप देखें तो उसे क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, ये जो जानवर चर रहे होते हैं उनके उनके बदन से जो चीज़ खारिज होती है वही खाद बनती है, खाद बन के फिर फल बन जाता है, फिर हम उसे खाते हैं, फिर वो किसी तरह प्रोसेस में जाता है, इसी तरह ख़त्म, गंदी गंदी चीज़ें, क्या दुनिया क्या है, क्या है, इतनी दनी है, बहुत दनी, बहुत बस आखिरत के मुकाबले में लो, द लोएस्ट लेवल, द ओनली वर्ल्ड जहाँ हम अपनी मर्जी से गुनाह कर सकते, इसलिए बहुत पस्त जगह भी हो सकती है, जहाँ और कहीं भी गुनाह नहीं कर सकता कोई भी अपनी मर्जी से, भैया ज़बिल उकुल उकुल में से हम हैं जो यहाँ पर गुनाह कर लेते। सो नंबर वन ये हमें शहीदों वाला दर्जा दे रहा है, नंबर टू ये लज्जात को किल कर देता है, ये लज्जत व शहवत। मिसाल है बहुत हकीर सी कि अगर अचानक जलजला आ जाए तो हम बिल्कुल सब इमरजेंसी मूड में आ जाएंगे और हम क्या करेंगे, फौरन अपनी निजात का सोच रहे होंगे, उस वक्त कोई आपसे कहे इधर आओ आओ ये ड्रामा मिलके देखते हैं, तो आप उसके मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, ड्रामा देखते हैं, आपको कॉफ़ी दूँ, आपके क्या कॉफ़ी शॉप, इधर आओ ये भागो, आपको हर गैर ज़रूरी चीज़ अजीब सी लगती है, ये क्या है, ये क्या है, लोग शॉपिंग लिस्ट बना के बैठे होते हैं, विश में ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले, जलजला आ रहा है वो कह रहे ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना, अरे वो लेना लेना सब ख़त्म हो जाएगा। तूल अमल, मैं जल्दी से बताती जाऊँ, वक्त कम है, तोए के साथ तूल तूलानी से दे, अमल अलिफ के साथ, ठीक है, तूल अमल का जिक्र अगर आप देखें जिस कसरत के साथ रिवायात में आया, इससे पता चलता है इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तूल अमल का लोग अक्सर आम सा तर्जुमा करते हैं, गलत सा करते हैं, वो ये कि लंबी लंबी आरज़ुएं, जबकि असल इसका मतलब ये है कि आपने ख़ुद अपने लिए एक ज़िंदगी फ़िक्स कर ली है जहन में। गालिबा लोग कहते हैं ना इंशाल्लाह मेरे मामा बाबा हाँ 80s में गए, मैं भी 80 तक रहूँगी, हमारे यहाँ ना सब 80s 90s में जाते हैं, तो मैंने भी 80-75 तक तो जीना ही है पक्का, अपने जहन में बनाया होता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो आई हैव टाइम, लाशूरी तौर पर ना कि वो मुँह से कहे, अंदर ही अंदर कहीं दिमाग में फंसा हुआ है कि मैं 70-80 साल तक जीऊँगी, तो अब मुझे क्या करना है, अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, हाँ हाँ ये कर लूँगी, अब टाइम है कर लूँगी, जहन में ये होता है कि ठीक ठाक एक वक्त है।
बास ने अपना खूब इलाज किया होता है, ठीक ठाक आप जैसे नेक लोग होते हैं वो कहते हैं नो वे है, मेरे पास एक साल से ज़्यादा नहीं है, अगले साल मुहर्रम से पहले मैंने अपने आप को ठीक करना, इतना इतने कवि होते हैं कि कहते हैं नो 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 आई हैव मे बी वन ईयर नॉट मोर देन दैट। बास उससे ज़्यादा अपना अच्छा इलाज करते, कहते नहीं 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 एक साल तो क्या, बस 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 एक महीना होगा मेरे पास, इस महीने में मैं जल्दी से अपने आप को ठीक कर लूँ, शबे कदर से पहले ये कर लूँ वो कर लूँ कुछ कम। कुछ होते कहते नहीं नहीं मेरे पास सिर्फ एक दिन है, शायद क्या पता आज रात हो ना हो। और लोग जितना कवि होते चले जाते, उनका अमल, अमल यानी आरजू, ठीक है, अमल यानी कहते इज़ा अंतुम फी विलायत शैतान अल अमलु बैन आईनेही वल अजलु वरा ज़हरे व इज़ा काना फी विलायत रहमान अल अजलु बैन आईनेही वल अमलु वरा ज़हरे। अगर आपके सामने आप हुजूर इलाही लिकाए इलाही को बहुत पसंद करते हो तो फिर क्या होता है, अमल ख्वाहिशात नफसानी पीछे पीछे, अल्लाह से मुलाकात आगे आगे, दो आँखों के सामने। लेकिन अगर अल्लाह से मुलाकात पीछे पीछे हो तो आरज़ुएँ आगे आगे, मैंने ये करना है मैंने ये करना है मैंने ये करना है, इन्हीं में रहते 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 कहते हैं ना दूसरों का खून इस रंग का होगा मेरा तो किसी और रंग का है, पता नहीं कब बहेगा। ये फारसी वाले ये बहुत कहते हैं कि हाँ खून मन ये रंग ये दिगे दौरे मैं मेरा नहीं, हाँ मौत आती है लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं तो जीऊँगी, अभी इतना मेरे पास टाइम होगा, ये बड़ा ख़तरनाक है। और फिर मेरे नबी ने फरमाया अफ़ज़लुल बशर है ना, इसलिए सबसे ज़्यादा क़ुव्वत के साथ फरमाते हैं मैं सैयदुल अंबिया, मैं किस तरह से मौत को लेता हूँ, तरफता आईना कि मेरी आंख पलक झपकने का भी मुझे पता नहीं है, यानी कि एक साल एक महीना एक दिन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अपने कामों को इस तरह से, जैसे बाज़ लोग कहते हैं ना मैं ऐसे तैयार रहती हूँ मेरे घर में अचानक 20 मेहमान आ जाए, मेरे पास कबाब भी होते हैं रोल्स भी होते हैं पत्तर ये भी बना होता है, मैं तैयार रहती हूँ, मेरा घर साफ ये बिल्कुल हमेशा तैयार, कोई भी आ जाए मैं तैयार हूँ। और बाज़ मुझ जैसे होते हैं कुछ भी नहीं, अचानक कोई आ गया मैं क्या करूँ, सही जो तैयार रहते हमेशा, अगर आज अल्लाह ने चाहा मुझसे मुलाकात करे मेरा सब कुछ तैयार है। अगर मैंने किसी से कुछ लोन लिया है, जैसे एक दफ़ा मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसामा या उसामा बिन ज़ैद हारिस, उसामा तुम बड़े तूले अमल वाले हो, क्या किया था उसामा ने, एक डीलिंग की थी और कहा था मैं तुम्हें अगले महीने दे दूंगा, बस कह के चला गया कोई फिक्र नहीं। तो कहा उसामा तुझे इतना यकीन है तू एक महीने तक है, इतने मज़े से तुमने कह दिया अगले महीने तुम्हें मैं पैसे दे दूंगी, ये कैसे हो गया, ना किसी को बताया ना लिखा ना कुछ एहतमाम नहीं कि अगर फौरन हो गया तो क्या होगा, आपको यकीन नहीं आएगा। आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी का नाम सुना है ना, वो 10 साल से ज़्यादा अपने बेटे के ख्वाब में नहीं आए, उनके बेटे अभी कौम में हैं, ख्वाब में नहीं आए नहीं आए नहीं आए, बेटा इंतज़ार कर रहे कर रहे कर रहे, यहाँ तक कि बहुत मुश्किल बात ख्वाब में आया और कहा कि मैंने एक कुछ नजफ़ के जो हम बाब क़िबला की तरफ से जाते हैं ना, वहाँ आपने देखा होगा सूक़ुल हवीश है, वहाँ हमारा घर भी होता था, वहीं मैं पैदा हुई सूक़ुल हवीश के पास, वहाँ एक दुकान है अभी भी है, उससे उनके बाप ने कर्ज लिया था, बहुत कोई छोटी सी चीज़ कर्ज ली थी, उस कर्ज के पैसे नहीं दिए थे, आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी फंस गए, बेटे के पास आए वो बेटे गए जाकर पूरा खुद उन्होंने बताया है, वो बूढ़ा समर्थ था, उसने कहा मुझे नहीं पता कितने मिट्टियों में कागज़ पड़े हुए किताबें पड़ी हुई कॉपियां जो लोग पुराने ज़माने में लिखते थे ना किसने क्या कहते खोदा देखा देखते पता नहीं कितने घंटे दिन लगे फिर जाके उन्हें मिला कि उनके बाबा ने उनसे कर्ज लिया था। देखिए इंसान बुरी तरह फंस जाता है बुरी तरह। अब क्या होगा, ऐसा शख्स जो मौत को याद करता है वो क्या करेगा, वो रात को सोएगा नहीं जब तक घर वालों से माफ़ी
ना मांग ले बहू मुझे माफ़ कर दो, दुल्हन मुझे माफ़ कर दो, काम वालियों से मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्या पता मैं सुबह जागूंगी कि नहीं, है ना। वो ज़्यादा मीठा अच्छा होगा या वो जो कि कह रहा नहीं मुझे तो मौत से डर, ज़्यादा मौत की बातें नहीं करो, मैंने खुश रहना है। वो खुश रहेगा या गुस्से में रहेगा, इसको भी डांट रहा है उसको भी डांट रहा है, सब कुछ कर रहा है, मैंने तो 70 साल तक रहना है। वो खुशी है या ये खुशी है जो सबसे माफ़ी मांग रहा है और खुश अखलाक सब उसको दुआएँ दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपसे मैं 2 सवाल करूँगी, ये बड़ा मशहूर हुआ है ना, आपसे 2 सवाल करती हूँ, आप कहाँ रहती हैं? तो आप कहेंगी मैं सोल्जर बाज़ार में रहती हूँ, सही, या मैं इधर रहती हूँ। आप कहाँ रहती हैं? आप कितना कमाती हैं? क्या कमाती हैं? अगर आपका जवाब ये है कि वो जो अर्श आज़म है, जो अर्श अकबर है, जो आपका दिल है, अगर आप मोमिनीन के दिलों में रहते हैं तो बात बन गई। अगर आप दुआ कमाते हैं, और वाकई हमने कमाना भी दुआ है, सब हमें दिल से अकेले अकेले में दुआ दें, कहना ना पड़े इल्तिमास से दुआ, कहना भी ना पड़े, कभी कभी कह भी दें लेकिन ज़रूरी नहीं है आप कहें इल्तिमास से दुआ, वो खुद आपको दुआ दें, खुद आपको दुआ दें। और आखिरी बात जो हमेशा अपने आप को अल्लाह के हुजूर में पाता है, वो बड़ा रिच, बहुत अमीर, बहुत कवी, नफूज नापजीर, किसी की बात उसको हिलाती नहीं है। हमें वो लोग पसंद नहीं हैं जो मोहताज होते हैं, जो हमेशा कहें मुझे सहारा दो मैं जाऊँ, मैं अगर आप पर डिपेंडेंट रहूँ तो आप मुझे पसंद करेंगे? नहीं, नहीं पसंद करते। जिस्मानी माजूर किसी को पसंद नहीं, पसंद है किसी को? नहीं। लेकिन एक चीज़ को हम पसंद करते हैं, एहसासाती तौर पर हम माजूर होते हैं, हम समझते हैं गुस्सा एक ताकत है, मैंने गुस्सा कर दिया, मैंने उसको सुना दिया, ताकत है, बड़ी ताकत है, मैं तो सुना देती हूँ। सुना देती हैं, आप कभी हो ताकतवर तो नहजुल बलागा की दुनिया में तो आप बहुत उस मोहताज से भी ज़्यादा कमज़ोर है। जिस्मानी लिहाज से मुझे आपका सहारा चाहिए तो आप मुझे कमज़ोर कहते हो, एहसासाती तौर पर अगर मैं कहूँ कि इसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं मोहताज हो गई ना, डिपेंडेंट हो गई ना। आजकल लड़कियाँ बड़ा कहती हैं मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, यू नो, अपने पाँव पे खड़ा होना है, किसी का मोहताज नहीं होना, किसी के सामने मुझे झुकना ना पड़े, मांगना ना पड़े, मेरी ज़िंदगी हो, मैं खुद हो। खुदा की कसम ऐ मेरी बेटियों, जो हकीकी गनी होना, ये लोगों से बेनियाज होना, नियाज उस रब गनी मुतलक के सामने सिर्फ बयान करना, उस वक्त आएगा जब आप उस तरह से शुजा बनेंगी उस मैदान में जिस मैदान में हमारे मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब बस जल्दी से बताती जाऊँ कि इंशाल्लाह अब अगर गुस्सा आए तो क्या करना है। आमतौर पर गुस्सा आग है, सुलूक इल्लाह जो अल्लाह के करीब जा रहा होता है वो आग का रास्ता नहीं, प्यार के रास्ते से जाता है। गुस्सा कर कर के अल्लाह के करीब पहुँचेंगे? आग 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 आग, नो वे, प्यार 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 प्यार, रहमान रहमान तक पहुँचना है। अल्लाह तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, आप कभी गाड़ी में जा सकते हो, रिक्शे में जा सकते हो, साइकिल में जा सकते हो, मसलन ट्रेन में, बस में, कभी एरोप्लेन में, कभी रॉकेट के ज़रिए शू करते हुए, जैसे आप इंशाल्लाह मार्स जाओगे, मार्स में इमाम बारगाह बनाएंगे, शाह शहीदान वहाँ भी बनेगा इंशाल्लाह, मेरी इल्हाम बनाएगी, हमारे बेटे हैदर बनाएंगे, नासिर बनाएंगे, और हमारी प्यारी प्यारी बेटियाँ माशाअल्लाह उम्मुल बनीन बनाएंगी, ये नस्ल इन लोगों की इतनी खूबसूरत। तो बहुत तेज़ी के साथ हम लोग जा सकते हैं अल्लाह के पास। एक मरकब है, एक बहुत ही अजीम सवारी है जिस पर हम सवार हो सकते हैं, और वो सवारी है कज़्मे ग़ैज़। आपको गुस्सा आया,
आपने इतना गुस्सा आया ना, इतना ज्यादा, ठीक है, इतना ज्यादा गुस्सा आया, आपने उस सारे गुस्से को छोटा सा बना के वहीं पे दफन कर दिया। इतना गुस्सा, अल्लाह ने कहा अब मैं इतना अपना प्यार तेरे दिल में डाल दूंगा। ये कितना प्यारा मामला है। अल्लाह ने कहा मैं अपनी मोहब्बत, अपना नूर, जितना बड़ा गुस्सा हो उसको आप, जितना बड़ा है ना उसको आप पी जाते हो, कितने उतना ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत और अल्लाह की तवज्जो आपके दिल में आ जाती। क्या ज़बरदस्त लेन देन है। और ये उसके पास आता है ये ताकत, जो क्या करे, हमेशा अपने आप को लिका इलाही के लिए आमादा करे, तैयार करे। क़ुर्बे इलाही का ये बहुत प्यारा रास्ता है। ज़िक्रुल मौत, ज़िक्र लिका इलाही, वो हसीन तरीन। इंशाल्लाह कल मैं आपको कुछ रिवायात बताऊंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी और बहुत लुत्फ आएगा। हैरान हो जाता है इंसान कि कितनी हसीन हमारी अल्लाह ने इस ट्रांज़िट और इस्तरारी और बहुत ही टेम्प्रेरी लाइफ को खूबसूरत बनाया है ताकि हमें अपने तक पहुँचाए। आइए दरगाह इंस्टीट्यूट ऑफ हज़रत कासिम में हाज़िरी देकर अपने इस अकीदे को, अकीदा हम सब का है लेकिन इस अकीदे को जो हर रोज़ हमने 20 टाइम्स अप्लाई करना है, हाज़िर देखना है लिका इलाही को, इस कदर इस अजीम शख्सियत से लें, इस नौजवान शहज़ादे से। आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि जब याद करें हम इमाम हसन मुश्तबा को, सिप्ते अकबर नबी हैं, अव्वलीन खुशी नबी के घर में जो जनाब ज़हरा और अली मुर्तज़ा के बाद आई वो हसन मुश्तबा। आप पर गिरिया नबी के दिल को मसरूर, कहते हैं क़यामत के दिन जनाब ज़हरा आपके आँखों का बोसा लेंगी जो इमाम हसन मुश्तबा पर गिरिया करें। और साल भर में हमें अफसोस के साथ इमाम हसन को याद करने का मौका बहुत कम मिलता है, बहुत कम, बहुत कम। इसलिए जी भर के आज हमारे रोने का, पुरसा देने का अंदाज़ बिल्कुल अलग, कंजूसी ना हो, शर्म आ पर ना हो, आपकी आवाज़ फरिश्ते सब्त कर रहे हैं, इतनी बुलंद हो कि मलाइका सुन सकें, और आपके लिए वो आवाज़ जन्नत में बेहतरीन बेहतरीन शफाअत का बाइस बने। मदीना में जब इमाम हसन के बदन से जिगर के टुकड़े निकल रहे थे और वो तश्त में डाले गए तो फौरन इमाम हसन ने उस कमज़ोरी के आलम में फरमाया इसे छुपा दो, अभी मेरी बहन ज़ैनब आएंगी। इतने में एक दो साला बच्चा आया, आकर अपने आप को बाप के सीने से लगा दिया। जनाब उम्मे फरवा ने कहा बाप का सीना बहुत कमज़ोर है, वह कासिम उठो, कासिम उठो। पता है इमाम हसन ने क्या फरमाया, मेरे कासिम को मेरे सीने पर सोने दो, मुझे सुकून मिलता है, मैं अपने बेटे का सीना कर वो बला में देख रहा हूँ जो घोड़ों की टापों से मेरी माँ फातिमा तो जहरा की तरह, जिस तरह जहरा की पसलियाँ टुकड़े टुकड़े अंदर से चिकना चूर हो गई थी, इस तरह कासिम का सीना कभी सकीना का सीना छलनी हो रहा है। ये कैसे तिफल है इस खानदान के, या फातिमा जहरा आपका खानदान, हाय शहादत मजलूमियत। बच्चों का रोना माँ से बर्दाश्त नहीं होता। करबला में दो माएँ थीं जो अपने बच्चों को रोते हुए ना देख सके, तड़प गई एक रबाब और एक उम्मे फरवा। यौमे आशूर आया, पुश्ते खेमा जनाब कासिम रो रहे हैं, काश मेरे बाबा जिंदा होते, काश मुझे बार बार चचा से इजाज़त न लेनी पड़ती,
यतीमी बड़ी सख्त है, मैं यतीम ना होता तो मुझे इजाजत मिल जाती। ये आवाज माँ ने सुनी, फौरन तावीज़े इमाम हसन को ला कर दिया। खुशी खुशी जनाब कासिम बाप की तहरीर लेकर गए। इमाम हुसैन ने भाई की तहरीर को आंखों से लगाया, रुख मदीना की तरफ करके कहा, है मेरे भैया हसन, आपने मेरी गुर्बत का इंतजाम भी कर दिया। मेरी तन्हाई के लिए क्या लिखा लिखा है, या बुनैया कासिम, जब भी इनका ना वजद कल हुसैन, अम्म कल हुसैन, वहीदन गरीबन आतशाना, जब मेरे भाई को प्यासा देखो। भाई की तहरीर को चूमा और ऐसे सीने से लगाया इमाम हसन को, जो रिवायत कर रहा है वो दुश्मनों का रावी है, देख रहा है, कहते मैंने ये मंजर कभी ना देखा। गुशिया अलैहिमा, दोनों गशी होकर भतीजा चचा जो है वो जमीन पर गिर गए, दोनों बेहोश, रो 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 कर। कितना प्यार है इमाम हसन का इमाम हुसैन को, इसलिए आज उतना ही हमने रोना है। हसन मुज्तबा की निशानी देखकर हुसैन आज बहुत रोए, बहुत रोए, इतना रोए कि बेहोश हो गए। पानी भी ना था, न जाने कैसे होश में आए, वो खुदा जानता है। बार इलाहा हमारी अशकों को हुसैन के अश्क से मिला दे। अब क्या हुआ, अब तैयार करना है ना, कैसे तैयार करें। लिखा है जरा एक पहनाई बराबर ना आए, दूसरी बराबर ना आए, तीसरे जरा बराबर ना आए। नौजवान बच्चा है और बार बार जनाब कासिम कह रहे, चचा मैं बगैर जरा के चले जाऊंगा। कहा है कासिम, ये जरा बड़े भी पहनते हैं ताकि कोई तलवार कोई नेजा, घोड़ों की टापों से ये जरा बड़ों को बचाता है। हाय यतीम शहजादे का बदन। दुश्मन ने कहा, धूप थी, असर का वक्त था, जोहर के बाद का वक्त है, कहा ऐसा लगता है चांद का टुकड़ा आ रहा है। हसन है ना, जनाबे जहरा का फर्जंद है ना, हसन का बेटा आ रहा है। ऐसा जिहाद किया, लिखा है कि जब दुश्मन ने देखा एक बच्चा आया तो अपने बेटे को भेज दिया। जंगे जमल के शेर इमाम हसन का बेटा है कासिम, उस बच्चे को इमाम कासिम ने वासिले जहन्नम किया। दूसरा बेटा आया, उसको भी वासिले जहन्नम किया। तीसरा आया, उसको भी मार दिया। अब वो गजबनाक हुआ, वो खुदा तय कहता है अब मुझे लड़ना पड़ेगा इस बच्चे के साथ। जब वो लड़ने आया, जनाब कासिम ने या अली के कर उस जालिम के दो टुकड़े कर दिए। अब आवाज बुलंद हुई, हर तरफ से हमला हो, अहले अजा चले करबला। हुसैन की आंखों से शहजादा कासिम को देखे, हुसैन का जिगर पारा हो रहा है, जिस तरह करबला में हसन का जिगर टुकड़े टुकड़े हुआ। आज एक बार फिर करबला की जमीन में वो मंजर हुसैन ने देखा, जो मशरक से लश्कर आ रहा था वो मगरिब की जानेब, मैमना मैसरा सारे घोड़ों की टापों ने उस नन्हे से बदन को पामाल किया।
ملعون صدر امام حسن کے فرزند پر قاسم پر بیٹھا ہوا تھا, جیسے ہی امام حسین کو دیکھا وہ اس نے دوڑ لگائی امام کے جلال کو دیکھ کر, دشمن ایسے دوڑے کہ امام پامالی قاسم کو دیکھتے رہے. کبھی پھول چنتے ہیں, ایسا لگتا تھا امام نے اپنی عبا بچھائی قاسم کے پھول ٹکڑوں کو چن رہے ہیں, چن کر خیمے کی طرف آئے. واہ قاسم, یا امام سماد, آج رکھ اللہ وقاسمہ.